बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है हमारा वह चैप्टर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, हमें पता है जी साइन कोस टैन सीकेंड कोसेकेंड और कॉट। चैप्टर 9 में भी, 10 में भी, 12 में भी और 11 में इसकी डोमेन और रेंज भी पढ़ी थी। अब वो डोमेन और रेंज आपको याद होनी चाहिए, अगर वो याद है तो फिर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले है जी इनवर्स किन फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं नोट लिख देता हूँ, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली, कि आपने पॉइंट याद रखना है, किसी भी फंक्शन, जरूरी नहीं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स मिलेगा, अदरवाइज इन्वर्स नहीं मिलेगा आपको। अब बाइजेक्टिव फंक्शन में दो कंडीशंस हैं, बाइजेक्टिव होता क्या है, बाइजेक्टिव में दो कंडीशन होती हैं जी। बाइजेक्टिव एक्चुअली फंक्शन का 1-1 होना भी चाहिए प्लस ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ये 1-1 और ऑन टू होगा तो बाइजेक्टिव कहलाएगा, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स मिलेगा, अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो फंक्शन का इन्वर्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। अब एक ग्राफ बनाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने, तो सबसे सिंपलेस्ट मैं साइन फंक्शन का समझाने के लिए सिर्फ साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ आपको। ये जी हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। साइन फंक्शन का ग्राफ यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, इस तरह यह आ गया और यहाँ से इस तरफ ले आया, ठीक है। आगे भी जाएगा लेकिन मैं सिर्फ इधर से इधर तक बनाऊंगा। ये हो गया जी माइनस पाए, ये हो गया पाए, इस पॉइंट पे हम लिख देते हैं जी पाए बाय 2। ये वाला ऑब्वियसली ओरिजिन है और ये वाला क्या है, पाए बाय 2। ग्राफ आगे भी एक्सटेंड होगा, इस तरह मूव करेगा, इस तरह चलता जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन समझाने की हद तक इधर तक ठीक है। अब देखें साइन, पहले देखते हैं फंक्शन ये 1-1 है कि नहीं। 1-1 का मतलब होता है कि वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट आंसर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वैल्यू हम डोमेन डिफरेंट करें तो फंक्शन का जो आंसर है वो सेम आना शुरू हो जाए, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है। आप देखें बहुत सी वैल्यूज पे आपके सेम आंसर आ रहे होते हैं क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। तो अगर ये अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं तो ये 1-1 नहीं रहेंगे, अगर ये 1-1 नहीं है तो फंक्शन का इन्वर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चैप्टर 13 में इन्वर्स फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो इन्वर्स फंक्शन पढ़ने से पहले हमें फंक्शंस का पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब ये फ़र्क क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और सिंपल प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ डोमेन का फर्क आता है, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था कि इन्वर्स के लिए हमें बाइजेक्टिव का होना लाजमी है, तो अगर हम इसको बाइजेक्टिव बनाना है, जाहिर सी बात है इन्वर्स तो हमने पढ़े हुए हैं, तो इसको अगर बाइजेक्टिव बनाना है तो हम इसको किसी पॉइंट पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक, वैसे तो किसी और पॉइंट पे भी हो सकते हैं लेकिन मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। इससे आगे वाला ग्राफ रेज कर देते हैं इधर से, और सारा रेज हो गया, ठीक है, वो सेम पॉइंट है। इससे आगे वाला आपने कंसीडर नहीं करना, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये रिस्ट्रिक्ट हम कर रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा, इधर से ऐसे आएगा, ठीक है, उसे आगे नहीं जाएगा, और यहाँ से ओरिजिन से ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखें इसको रिस्ट्रिक्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ अब ये इस माइनस पाए बाय 2 से पाए बाय 2 तक ये अपनी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा, सेम वैल्यू दे रहा, तो ये 1-1 हो गया। ऑन टू का मतलब होता है कि आपकी पूरी की पूरी जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो उसकी कवर हो जाए, मतलब उसकी रेंज पूरी की पूरी कोडोमेन की इक्वल हो जाए। तो अब इसकी ये 1 है, ये माइनस 1 है, तो ये माइनस पाए बाय 2 से पाए बाय 2 तक ये 1-1 भी है फंक्शन, साइन का जो ग्राफ है, और ये ऑन टू भी है। इसका मतलब अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूँ इस इंटरवल पे माइनस पाए बाय 2 से पाए बाय 2 तक, तो ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा,
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पाई बाय टू से तो आगे भी तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पे इसको कर सकते हैं, लेकिन एक बुक ने स्टैंडर्ड कर दिया हुआ है कि आपने माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक रिस्ट्रिक्ट करें। कैलकुलेटर भी हमारे इसी तरह डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। तो ये अब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, ये एक्चुअली जब हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं जी प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज आपको पता होने चाहिए। जिस तरह हमने चैप्टर 11 में टेबल बनाया था, इधर भी मैं आपको टेबल बना देता हूँ। इधर मैं लिखूंगा जी प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इधर फंक्शन की डोमेन लिखेंगे हम, इधर फंक्शन की रेंज आ जाएगी, इधर हम लिखेंगे जी इसका पीरियड, ठीक है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने चैप्टर 11 में किया था, पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी के बाद एम्पलीट्यूड या फेज शिफ्ट था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने चैप्टर 11 में भी डिस्कस की, दोबारा इधर करते हैं। तो फंक्शंस जो है हमारे पास है जी, प्रिंसिपल फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो ये साइन एक्स आ गया, फिर कॉज एक्स हो गया, फंक्शंस वही हैं। टेंजेंट ऑफ एक्स सबको वाई इज इक्वल टू कर लें, वाई इज इक्वल टू एंड वाई, क्योंकि फंक्शन की शेप में आना चाहिए। वाई इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स, इधर कॉट कर लेते हैं ताकि तरतीब आपको याद हो जाए, कॉट ऑफ एक्स secant x and y is equal to cosecant x, ठीक है। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ डोमेन का डिफरेंस है। अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये फंक्शंस जो होंगे ये हमारे प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारी डोमेन क्यों आएगी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी, मतलब ऐसा नहीं है आप कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, आपको जो दी गई है उसी के अंदर अंदर आपको आंसर भी करना, ठीक है। तो ये हमने इसके लिए चेक किया कि जी डोमेन जो है अगर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इसी तरह कॉज ऑफ एक्स की जो डोमेन होगी वो जीरो से पाई तक हमने करनी है। जो टेंजेंट ऑफ एक्स की जो डोमेन होगी, टेंजेंट वाली, ठीक है, टेंजेंट की डोमेन होगी जी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, लेकिन ये ओपन इंटरवल में रहेगी, ठीक है। माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू नहीं पुट कर सकते, उनके दरमियान में सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी। जो कॉट ऑफ एक्स की हमारी डोमेन है वो क्या हो जाएगी, जीरो टू पाई, लेकिन वो भी ओपन इंटरवल में रहेगी। जो सीकेंड ऑफ एक्स की जो डोमेन है, अब देखें सीकेंड वन ओवर कॉज होता है और टेन के नीचे भी कॉज आता है, तो टेन और सीकेंड की डोमेन जो है वो क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। सो इसकी हो जाएगी जी जीरो टू पाई, लेकिन क्लोज इंटरवल में आएगी, ये चीज़ का ख्याल रखना है आपको, जीरो टू पाई क्लोज इंटरवल में। और जो कोसेकेंड ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो क्या है जी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, लेकिन इस पर एक कंडीशन है जी, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो आप नहीं पुट कर सकते क्योंकि इस इंटरवल में जीरो आ रहा है, तो जीरो आपने नहीं पुट करना। और इधर जब सेकेंड की लिखेंगे तो एक्स आपने पाई बाय टू नहीं पुट करना, बाकी सारा कुछ आप पुट कर सकते हो, ठीक हो गया जी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको, x is not equal to pi by 2। इन डोमेन को, ये डोमेन को अगर इस इंटरवल्स पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये फंक्शन सारे के सारे हमारे प्रिंसिपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं रेंज की बात। अब रेंज में अभी बात की ऑन टू में, रेंज तो सारी की सारी आनी चाहिए, तो रेंज वही होगी जो हमने चैप्टर 11 में पढ़ी हुई है। तो प्रिंसिपल फंक्शन की जो रेंज है वो वही रहती है, तो वो आपको नहीं याद नहीं करनी पड़ेगी। वो पता है जी माइनस वन से वन तक होती है साइन और कॉज की, माइनस वन टू वन, टेन की ऑल रियल नंबर होती है, कॉट की भी ऑल रियल नंबर होती है, और इसकी होती है वाई मोड ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। ये सारी डिटेल इंटरवल की नोटेशन हमने उधर पढ़ ली थी चैप्टर 11 में, वाई मोड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन, ठीक है। दोनों की वाई मोड ग्रेटर दैन इक्वल, वाई मोड ग्रेटर दैन इक्वल टू वन का मतलब मैं इधर लिख देता हूँ कि वाई मोड ग्रेटर दैन, दोबारा से पहले हमने चैप्टर 11 में भी किया है, इसको हम लिखेंगे वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन और y is less than equal to 1, मतलब 1 से greater और minus 1 से less, 1 और minus 1 भी उसमें शामिल होंगे। तो अब sin है तो इसका पीरियड क्या है जी, 2 पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये तो अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। समटाइम पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जी डोमेन या पीरियड ऑफ प्रिंसिपल साइन फंक्शन, तो बच्चे लिख देते हैं जी साइन फंक्शन आ गए तो उसका पीरियड 2 पाई है, नहीं ऐसा नहीं है।
जब प्रिंसिपल की बात हो जाएगी तो हमने फौरन माइंड में आना चाहिए कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब हमने रेपिटेशन को रोक रहे हैं, रेपिटेशन अलाउ नहीं कर रहे। जब रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो फंक्शन पीरियोडिक नहीं रहेंगे। तो जब पीरियड नहीं होगा, आप किसी का भी पीरियड नहीं होगा, मतलब सिंपल प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पीरियड होता है, जब पीरियड नहीं है तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी। ठीक है जी, तो पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपका प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं होगी, बाकी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होती है। फेज शिफ्ट जो कि इस वक्त स्टैंडर्ड है तो वो सारी की सारी जीरो ही रहेगी। ठीक है, अब चूंकि अगर प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन ये है तो, लेकिन हमने तो इस चैप्टर में पढ़ना है जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी टेबल आपको बना देता हूँ, वो भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद है डोमेन और रेंज का तो ईजिली आप क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, और अगर आपको ये डोमेन नहीं याद तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी मस्ट आता है चैप्टर 13 से, और दूसरा इसमें कन्फ्यूजन बड़ी है। अब समटाइम्स आपको आंसर कुछ और लग रहा होता है और आंसर कुछ और रहेगा, हम जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसमें आप देखिएगा। तो इनवर्स फंक्शन में आ जाएगा जी फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स, देन कॉस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स एंड कोसीकेंड इनवर्स। जब हम फंक्शन का इनवर्स करते हैं तो चैप्टर वन में सेकंड ईयर में हम जाके पढ़ेंगे कि ये जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। ठीक है, तो जो अब इस केस में जो डोमेन है वो हमारी वो रेंज वाली वैल्यूज होंगी, तो माइनस वन टू वन, क्योंकि इनवर्स में उलट हो जाता है। तो आपको टेबल वही याद किया हुआ, इसमें जस्ट आपने उनकी पोजिशन चेंज कर देती है। इसकी रेंज ऑल डोमेन ऑल रियल नंबर है, इसकी भी ऑल रियल नंबर है, ये y mod is greater than equal to 1 and this one is also y mod is greater than equal to 1। रेंज की बात करेंगी तो रेंज जो प्रिंसिपल फंक्शन की जो डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी, विच इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन वाले केस में है, 0 टू पाई हमारा कॉज वाले केस में है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टेंजेंट की है, और जो कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो जी 0 टू पाई है ओपन इंटरवल में, सेकंड इनवर्स की जो रेंज है वो भी 0 टू पाई है ओपन इंटरवल में, लेकिन इसमें आप सॉरी ये क्लोज इंटरवल में है 0 टू पाई, लेकिन वही x इज नॉट इक्वल टू, इसमें चूंकि वो रेंज लिख रहे हैं तो y की वैल्यू जो पाई बाय 2 नहीं आ सकती। ठीक है, जिस तरह उसमें नहीं आई थी, और इसकी भी जो रेंज है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है, और इस केस में भी आपकी जो रेंज है वो ज़ीरो नहीं आ सकती। अच्छा, टेबल में हम पीछे प्रीवियस टेबल में देख लें कि हमने जो रेंज लिखी थी इसकी, हाँ क्लोज इंटरवल में लिखी हुई है। ठीक है जी, तो अगर तो ये टेबल आपको याद है तो हम आसानी के साथ इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने इसको हैंडल करना है, प्लस आपने कुछ फॉर्मूलेज याद करने हैं वो जो 13.2 में यूज़ होने हैं। मैं एक दो लिख देता हूँ जस्ट रिव्यू के, आपने याद करने ये वाले फॉर्मूले, इसमें है जी साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू, ये क्या होता है जी साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट वन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह ये माइनस का फॉर्मूला भी है, अगर सपोज ये मैं माइनस, अगर इधर आपका माइनस आएगा तो इधर भी माइनस हो जाएगा, बस बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, इसी तरह कॉज इनवर्स का फॉर्मूला भी है, कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी, वो फॉर्मूला है जी कॉज इनवर्स ए बी, ठीक है जी, माइनस स्क्वेयर रूट वन माइनस ए स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट वन माइनस बी स्क्वेयर। ठीक हो गया जी, इसमें भी माइनस वाला फॉर्मूला भी है, तो प्लस वाले में इधर माइनस आएगा, और अगर आपका इधर माइनस हो जाए तो इस केस में आपका प्लस हो जाएगा, कॉस में साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स ए प्लस
टेंजेंट इनवर्स बी वो किसके इक्वल होएगा, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय वन माइनस ए बी। और इसी में फॉर्मूला अगर आपका माइनस वाला देखा जाए, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी वो इक्वल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाय वन प्लस ए बी। ठीक है, इसी तरह एक और फॉर्मूला भी है टू टेंजेंट इनवर्स ए, मतलब अगर ये दोनों एंगल सेम हो जाए तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टू ए डिवाइडेड बाय वन माइनस ए स्क्वेयर। तो पेपर में ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है या क्वेश्चन की फॉर्म में भी ये डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।